नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, हमारे काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, इसके लिए सॉरी, मैं कुछ काम में बिजी था, लेकिन अब हमारी वीडियो जो है वो कंटिन्यू आएगी। मैं कोशिश करूंगा दिन में दो वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को माया की जो नॉलेज है वो और भी बेहतर करूं। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम जीरो से बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो में कोई भी चीज ऊपर ऊपर नहीं बताता, हर चीज डिक्लियर करके बताता हूँ। तो मैंने इस लोगो को यहाँ पर सेव कर दिया है। अब मैं माया में आ जाऊंगा, माया में आने के बाद मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी फ्रंट व्यू है और फ्रंट व्यू में आने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करके इस इमेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास तो बहुत सारे पिक्चर है, ठीक है, ये वाली लोगो है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी लोगो आ चुकी है, मैं इसे क्या करूंगा, जितना बड़ा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद चैनल बॉक्स पे आऊंगा और यहाँ से मैं एक लेयर पे इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये ऐड हो गया लेयर पे। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसकी कलर जो है वो मैं थोड़ा कम करूंगा, क्योंकि ये इतने में अगर रहेगा तो हमारा दूसरा काम डिस्टर्ब होगा, अर्थात टेम्पलेट के जैसा मैं इसे कर दूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास कलर कॉरेक्शन के लिए आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको ब्लैकनेस में बदल दूंगा, जितना हमको दिखाई दे। तो मैंने इतना जो है इसको कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, चैनल बॉक्स में जाकर के इसे लॉक कर दूंगा, ठीक है। और हमारे पास हो गया है लॉक, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस हथौरे की जो यहाँ पर दी गई है, पहले इसकी मॉडलिंग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसकी करेंगे, और ये एक दीवार में चिपका हुआ है, इनके जैसा करेंगे, ठीक है। और तो ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां जाएंगे क्रिएट में और यहां जाएंगे कर्व टूल के ऊपर, ठीक है। कर्व टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां से आ जाएंगे, इसमें से आपको जो टूल ज्यादा एक्सपीरियंसिव लगे उस टूल का यूज कीजिए, सबसे अच्छा होता है बेजियर टूल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं फ्रंट व्यू में सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं इसके लिए। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ से इसको ट्रेस करना शुरू करूंगा, जैसे कि हम फोटोशॉप में करते हैं, ठीक है। तो एक क्लिक मैं यहाँ पर करूंगा, दूसरा क्लिक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, देख लीजिएगा आप भी, तो मैं यहाँ पर कर लूंगा, ठीक है। तीसरा क्लिक मैं यहाँ पर करूंगा, चौथा यहाँ पर, यहाँ तक हार्ड जा रही है तो मैं हार्ड ले जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ सब स्मूथ हो गई है, ठीक है। तो मैं इसको स्मूथनेस के जैसा यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, और उसके बाद एक क्लिक मैं यहाँ पर कर लूंगा, जैसे आप फोटोशॉप में यूज करते हैं सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें कोई डिफरेंट वाली चीज नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी फिर हार्ड सरफेस आ गई, तो मैं जैसा जैसा है वैसा वैसा हमें यहाँ पर कर लेना है। अगर आप चाहें तो गोलाकार में भी ले सकते हैं इस टाइप से, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये हार्ड सरफेस है तो मैं हार्ड में ही लूंगा, ठीक है। ये हो गया और मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी थोड़ा सी डिजाइनिंग लग रही है, हाँ लग रही है, ठीक है। तो मैं इसे भी करूंगा, एक क्लिक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद सीधा ले लेते हैं पांचवा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी ट्रेस कर रहा हूँ मैं लोगों को, ठीक है। और उसके बाद मैं इंटर का बटन दबा दूंगा, एक हमारा डन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर है तो हम इसे बॉक्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स ही रखूंगा, यहाँ के लिए देख लेता हूँ, यहाँ पर भी आप चाहे तो बॉक्स रख सकते हैं, लेकिन मैं बॉक्स नहीं, इसी टूल में से किसी एक का यूज कर लेता हूँ। इसमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरा टूल यूज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, वॉल लिनियर है, अर्थात वॉल लिनियर में ही रखना है आपको, ये कभी भी मुड़ेगा नहीं। आप बेजियर की मदद से भी कर सकते थे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टूल पे ज्यादा पकड़ है। बस हो गया, एंटर कर दीजिए, ये भी कम्प्लीट हो गया, ये सारे टूल लाइन बनाने वाले ही। उसके बाद हमारा ये वाला रेड बच गया, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो कोई खास चीजें है नहीं, बस इनके लिए भी हम क्या करते हैं, किसी भी टूल का यूज कर लेते हैं। तो यही वाला कर लेता हूँ जो टूल हमारा लास्ट टाइम था, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर, और मैं कर दूंगा यहाँ पर क्लिक, और इसे भी कर दूंगा एंटर, ठीक है। उसके बाद हमें इस बॉक्स को बनानी है नीचे वाले को, उसके बाद तो नाम ही लिखना है, दूसरा कुछ है नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे, कर्व टूल के डायलॉग बॉक्स पर, सॉरी यहाँ जाएंगे नर्स पिरामिडिक से ऊपर, और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अगर नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा, इससे होगा क्या कि आप जब कर्व टूल का यूज करेंगे, यानी कि इसमें से कोई भी चीज यूज करेंगे कर्व वाले में से, तो वो बनाने के लिए बॉक्स आएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास माउस जो आ चुका है, और मैं क्या करूंगा, इस स्टेप से इसको बॉक्स को मैं एडजस्ट कर दूंगा पूरा का पूरा फिटअप इनके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा, और उसके बाद कंट्रोल डी की मदद से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, और डुप्लीकेट करने के बाद एक बॉक्स मैं यहाँ पर बैठा दूंगा, ठीक है। इन दोनों बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा कंट्रोल डी की मदद से, आप ध्यान रखें बॉक्स को दोनों को बढ़िया सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हो गया, कंट्रोल डी की मदद से मैं वापस डुप्लीकेट करके इसे नीचे कर लूंगा, और ये हमारा काम रेडी हो जाएगा। बस मैं इसको हाइड कर दूंगा, और हमने जो अभी तक बनाया है वो इस टाइप से बनाया है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूंगा,
इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां जाऊंगा कर्व टूल में और यहां पर मैं कर दूंगा ओपन एंड क्लोज, ठीक है, सभी को करना है। अब जी का बटन में प्रेस करूंगा तो लास्ट टूल हमारा रीएक्टिवेट होगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा पूरा का पूरा काम यहां तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एज ए सरफेस में कन्वर्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां जाएंगे सरफेस पे और यहां जाएंगे प्लेनर पे। प्लेनर पे जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस में चाहते हैं, तो मैंने पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक कर दिया। कोर्स है, कॉन्टैक्ट कितने में चाहिए, तो मैं करीब करीब 1200 कर देता हूं, आपको जितना लगे उतना कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर अप्लाई कर देंगे तो ये होगा कि आप प्लेनर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यदि सब और भी ज्यादा अगर हाई क्वालिटी में आपको चाहिए, थोड़ा इस जो 1200 किया था उसको और भी आप बड़ा कर लीजिए, तो ये उससे भी बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, जितना ज्यादा रखेंगे उतना अपने लिए बेस्ट है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करूंगा, कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है, और ये हो गया। मैं इसको फिर से जाके करूंगा सरफेस, प्लेनर, पॉलीगॉन, कोर्ट्स, काउंट, सब कुछ है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ 2000, ठीक है, 2000 कर दिया और यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो अब ये 2000 बुक्स में बन चुकी है, ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरी बात इनके लिए है, अगर आप जी का बटन दबा देंगे सभी 2000 में बन जाएंगे, चलेगा, 2000 भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। और मैंने ये सारे का सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वाला ऐसा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, मेज डिस्प्ले में चले जाइए, यहाँ से मेज डिस्प्ले में, और उसको कर दीजिए रिवर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा चीज यहाँ तक जो है वो कंप्लीट रूप से बनकर रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता है नहीं, तो मैं इनको सभी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पॉलीगॉन काउंट्स में जाकर के मैं हिस्ट्री को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने डिलीट कर दिया, यहां से मैं इसे बंद करूंगा और सभी को सिलेक्ट करूंगा और सीधे डिलीट का बटन दबा दूंगा, सारा कर्व डिलीट हो गया। फिर से मैं इसे रीएक्टिवेट करूंगा, सभी को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल के साथ ई का बटन प्रेस करके मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। एक्सक्लूड करने के बाद मैं यहां से वैल्यू सेट करूंगा 0.2 इंटर, ठीक है। जैसे ही हमने 0.2 इंटर किया और ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है, ओके, यहां तक हो गई हमारी कंप्लीट। अब इस लोगो को मैं फिर से ओपन करके देखना चाहूंगा कि अभी देखिए हमारा एकदम फिट टू फिट यहां पर कंप्लीट रूप से हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे लिखना है यहां पर होम, ठीक है, रिपेयर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां डायरेक्टली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा टेक्स्ट टूल एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर इनको भी लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमारा जो लिखा है HOMERPAIR, ठीक है, तो यही वाला हम इसमें लिख देंगे। सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करके एकदम उसी पे फिट कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। F का बटन दबा देते हैं और यहां से मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट रूप से यहां पर मैं फिट कर लूंगा, ठीक है। कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य ही दूंगा, ठीक है। ये हमारा उसी साइज में हो गया है, देख लीजिएगा, उस साइज में एकदम फिट टू फिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो टाइप टूल में जाएंगे और यहां पर जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। और एच कैपिटल में लिखना है मुझे, कैप्स लॉक ऑन किया, HOMERPAIR, ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया होम रिपेयर, लेकिन उनकी साइज तो अलग है, तो साइज वगैरह वगैरह सारा कुछ आप यहां से सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट की साइज है, तो आपको जो भी करना है, गैपिंग की साइज, सभी चीज की साइज आपको मिल जाएगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, अगर 10 से भी आपको ज्यादा चाहिए तो यहां से आप लिख के भी कर सकते हैं, 12 में भी नहीं हुआ तो मैं इसको 16 कर दूंगा और इंटर कर दूंगा, 16 में भी नहीं हुआ मैं इसको 17 कर दूंगा और इंटर कर दूंगा, और ये फिक्स टू फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये लोगो हमारा कंप्लीट रूप से बनकर रेडी है, ठीक है। अब दूसरी बात हमें क्या करना है यहां से, और ये वाली जो एक प्लेन है वो भी हम बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक और टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको, इसको लॉक हटा दूंगा और मैं इसी के कलर को पिक कर लूंगा इनके ऊपर। इसमें तो कोई कलर है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी मर्जी से इनमें कोई कलर दे दूं। राइट क्लिक कीजिए, असाइन न्यू मटेरियल कीजिए और यहां से इनके ऊपर क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी जो भी कलर है वो कलर आपको दे देना है, ठीक है। जैसे कि ये हथौरा है तो हथौरा का कौन सा कलर देना है, तो आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको व्हाइट रखूंगा और थोड़ा सा व्हाइट में ही दे दूंगा, फुल व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसकी कलर जो है व्हाइट कर दिया है, और उसके बाद इसकी कलर व्हाइट, और इसको मैं करूंगा राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है, और इसको भी मैं एक कलर दे दूंगा, इसको दे देता हूँ रेड, ठीक है, मैंने रेड कर दिया इसकी। और इन सभी की कलर मैं अलग अलग कर दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप एक भी कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, असाइन न्यू मटेरियल करूंगा और इनको भी मैं एक कलर दे दूंगा, और इनको मैं दे दूंगा फुली ब्लैक, ठीक है। और ये मैंने इसको कर दिया ब्लैक,
और उनके बाद मैं इनकी कलर कर दूंगा ब्लू। ऐसा है न्यू मटेरियल फोंगी, ठीक है। और इनको भी मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं कर दूंगा इसको ब्लू, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा के अनुसार से कलर रख सकते हैं, मैं कोई भी कलर रख लूं, लेकिन आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार जरूर रखिएगा, ठीक है। इसको भी राइट क्लिक करूंगा, ऐसा न्यू मटेरियल के ऊपर जाऊंगा और यहां पर किसी को भी ऑन कर दूंगा, और ऑन करने के बाद मैं यहां से इनका भी कोई कलर दे दूंगा, ठीक है। तो रेड टू रेड मिक्स होगा और बहुत ही गजब दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसी इनकी लोगो है इनसे भी हमने बेहतर लोगों की मॉडलिंग कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां जाऊंगा मेस में और कर दूंगा मैं इधर कंबाइन, और अपना जो ये लोगो का टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं मुझे ये किसी काम का नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा और ये हमारी लोगो जो बनकर कंप्लीट है। अल्ट बी की बटन से आप बैकग्राउंड को चेंज करके देख सकते हैं कि किस बैकग्राउंड पर ये कैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट रूप से एक बहुत ही गजब की 3D टेक्नोलॉजी के तौर पे हमने इन्हें मॉडलिंग कर लिया और सारे कुछ कर लिया। अब बच गई हमें इसे एनिमेशन करना है, तो एनिमेशन में मैं कोई खास एनिमेशन नहीं करूंगा, तो एनिमेशन के लिए मैं इसे ऑन करूंगा यहां से और मैं देखूंगा कितनी दूर में हमारी एनिमेशन आ रही है। तो बस मैं ऐसा वाला एनिमेशन दूंगा, उसके बाद कुछ रोटेशन वाला एनिमेशन दे दूंगा, ठीक है। तो इनके लिए एनिमेशन का भी अलग अलग टेक्निक होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनिमेशन देना चाहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको जूम इन जूम आउट का एनिमेशन दे दूंगा, ठीक है। तो मैं बस यहां पर क्लिक करूंगा, फ्रेम रेट आपको कितना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि 600 फ्रेम पे मैं इसको एडिट करूं। तो मैंने यहां पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे यहां से एस दबा देता हूं। एस दबाते ही आपका की फ्रेम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैमरा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे एस दबाने से नहीं होगा, ठीक है। पहले आउटलाइनर में क्लिक कीजिए और यहां से कैमरा सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैमरा पे काम करूंगा और यहां से एस कर दूंगा, ठीक है। एस करने के बाद मैं चाहता हूं कि करीब 340 फ्रेम तक ये जूम हो, ठीक है। ये हमारा इतना तक मैं चाहता हूं जूम हो जाए और ये यहां आ जाए, ये हो गया हमारा क्लिक, ठीक है। अब ये हमारा इस टाइप से चलेगा।